हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक डाटा फॉर सक्सेस। VSSC का एग्ज़ाम जो 28 अगस्त 2016 को हुआ था, उसके पेपर के सोल्यूशन का ये पार्ट टू है। क्वेश्चन नंबर 41। फॉर रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम वर्क डन पर केजी ऑफ एयर इज 30 किलो कैलोरी एंड हीट एक्सट्रैक्टेड पर केजी ऑफ एयर इज 45 किलो कैलोरी। अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज इज 10 kg। इसमें COP पूछा हुआ है। COP होता है हीट एक्सट्रैक्टेड अपन नेटवर्क। तो हो जाएगा 45/30 इक्वल टू आ जाएगा 1.5। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42। कोल्ड वर्क कंपोनेंट्स आर जनरली सब्जेक्टेड टू एनेलिंग होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम फोकसेस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्ट। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44। द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू नॉमिनल स्ट्रेस। इसका ऑप्शन ए सही है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है इसरो के। इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 45। अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेप फॉलोड बाय पाउडर मेट्रोलॉजी में पहले मेटल का पाउडर बनाते हैं, देन मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग को ब्लेंडिंग की भी कहते हैं। उसके बाद कंपैक्टिंग होता है, उसके बाद सिंटेरिंग होता है। सीक्वेंस में ही है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46। ड्राइंग का क्वेश्चन है। देख लेते हैं ये। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। ये थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल में आप जिधर से देखेंगे उसके दूसरे तरफ उसका प्रोजेक्शन बनता है। थर्ड एंगल में भी इधर से ही देखेंगे, लेकिन इसका प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट और व्यूअर के बीच में रहता है। फिगर 1 थर्ड एंगल में है, फिगर 2 फर्स्ट एंगल में। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। फिगर 1 रिप्रेजेंट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये गलत है। फिगर 1 थर्ड एंगल प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करता है, फिगर 2 फर्स्ट। पॉइंट 2 देखते हैं। फिगर 2 रिप्रेजेंट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये सही है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। द ऑब्जेक्ट
इज एज्यूम्ड टू बी पोजिशन इन बिटवीन द प्रोजेक्शन प्लान्स एंड द ऑब्जर्वर इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये सही है। फर्स्ट एंगल में ये ऑब्जेक्ट होता है, बीच में ही होता है, और इधर प्रोजेक्शन बनता है इसका। पॉइंट नंबर थर्ड भी सही है। पॉइंट नंबर फोर देखते हैं। द ऑब्जेक्ट इन द थर्ड कोऑर्डिनेट पुट्स द प्रोजेक्शन प्लान बिटवीन द व्यूअर एंड द ऑब्जेक्ट। ये भी सही है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये व्यूअर है, इसका प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट और व्यूअर के बीच में बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी सही है, वन गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, ये इजी नोमेरिकल है। इसमें ये लोअर टेम्परेचर हो जाएगा, ये टेम्परेचर हायर टेम्परेचर, इसमें सी ओ पी पूछ रखा है, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल का सी ओ पी होता है इक्वल टू टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। इस हो जाएगा टू हंड्रेड टी लोअर, टू हायर माइनस टी लोअर, थ्री हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड, तो इसका आंसर आ जाएगा टू। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48, ए डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड एट टू पॉइंट्स शो ए डिफरेंस इन मर्करी लेवल एज 10 सेंटीमीटर। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट द टू पॉइंट्स आर एज्यूमिंग पाइप इज हॉरिजॉन्टल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी इज, ये गिवन है, फ्लोरिन पाइप 0.9 और जी दे रखा है। इसमें प्रेशर डिफरेंस पूछ रखा है, डेल पी इक्वल टू हो जाएगा रो मरकरी माइनस रो फ्लूड जी एच। सिंपल फार्मूला होता है रो जी एच, तो इसे वैल्यू पुट कर देंगे, रो मरकरी हो जाएगा 13600 माइनस फ्लूड का हो जाएगा 900, जी 10 दे रखा है और एच है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1270 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, ए स्टील रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ हैज टू ट्रांसमिट ए फोर्स ऑफ 15 kN विदाउट स्ट्रेचिंग मोर देन 1 mm। ई ऑफ स्टील इज 200 GPa, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ रखा है इसमें, तो लेंथ एल 1 mm दिया है, फोर्स एफ, ये स्ट्रेन और ई, तो इसका स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू पी एल
अपॉन ए ई। यहाँ से ए निकालना है, ए हो जाएगा पी एल अपॉन डेल ई। पी है 15 किलो न्यूटन, इनटू कर देंगे इसको 1 मीटर अपॉन, इसको एमएम में चेंज कर देंगे तो 1000 से गुना हो जाएगा, अपॉन स्ट्रेंथ दे रखा है 1 mm, इंटू ई है 200 GPa। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 75 mm स्क्वायर। आंसर ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 50। ए थिन सिलिंड्रिकल सेल ऑफ डायमीटर डी, लेंथ एल एंड थिकनेस टी इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर पी, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू हुप स्ट्रेन इज, रेशियो पूछ रखा है इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सॉरी लॉन्गिट्यूडन स्ट्रेन अपन हुप स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडन स्ट्रेन का होता है फॉर्मूला पी डी अपन 4 टी ई ब्रैकेट 1 - 2 अपन एम। हुप स्ट्रेन का होता है पी डी अपन 4 टी ई ब्रेकेंट में 2 - 1 एम, ये कट जाएगा तो इसका आ जाएगा आंसर m - तो इसको सॉल्व करने के बाद m - 2/2 m - 1 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51। रेंकाइंस कांस्टेंट फॉर माइल स्टील कॉलम विथ बोथ एंड हिंज इज, माइल स्टील के लिए रेंकाइंस कांस्टेंट होता है 1/7500। ऑप्शन सी सही है। ये टिम्बर के लिए होता है, ये कास्ट आयरन के लिए होता है, और एक छूट रहा है 1/9000 होता है रॉट आयरन के लिए। क्वेश्चन नंबर 52। द मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्मिस्टर्स आर, थर्मिस्टर में यूज होता है मैगनीज एंड कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ मैगनीज एंड कोबाल्ट। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन इन रोलिंग प्रोसेस इज, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डेल्टी इक्वल टू डी अपॉन टी ब्रैकेट में 1 - cos alpha। क्वेश्चन नंबर 54। ये गेट लेवल का क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन है, इसका आंसर एक्यूरेट नहीं आया है। इसका
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑफिशियल आंसर था ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 55, ये भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और गेट लेवल का क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन है, इसमें गिवन है VITL एरिया, देख लीजिएगा आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है बी, 43.2%। क्वेश्चन नंबर 56, द लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस टू द पाइप ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन इज, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, ड्यूरिंग एक्सपेंशन इन स्टीम टरबाइन एंट्रोपी, स्टीम टरबाइन में एक्सपेंशन प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है कांस्टेंट का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, द एफर्ट पी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड डब्ल्यू इन ए स्क्रू जैक वेयर अल्फा इज हेलिक्स एंगल एंड फाइव इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाई, इसका फॉर्मूला होता है पी डब्ल्यू 10 ब्रैकेट में अल्फा प्लस 5, ऑप्शन डी सही है। अगर यही लिफ्ट की जगह डाउन रहता तो इसका फॉर्मूला सी होता, माइनस हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर ए बार सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑल इट्स सरफेसेस, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू 2 म्यू अपॉन ई, इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, इफ़ द स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब इन ए कैंटिलीवर बीम इन द बेंडिंग अंडर इट्स ओन वेट इज के टाइम्स ग्रेटर देन द स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब इन एन आइडेंटिकल सिंपल सपोर्टेड बीम इन बेंडिंग अंडर इट्स ओन वेट देन द मैग्नीट्यूड ऑफ के इज, इसमें गिवन है स्ट्रेन एनर्जी कैंटिलीवर इक्वल टू के स्ट्रेन एनर्जी सिंपली सपोर्टेड बीम, तो के हो जाएगा कैंटिलीवर का स्ट्रेन एनर्जी अपन सिंपली सपोर्टेड बीम में स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू, कैंटिलीवर का फॉर्मूला होता है डब्लू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 40 ई आई अपॉन सिंपली सपोर्टेड बीम का होता है डब्ल्यू स्क्वायर माइनस इंटू एल स्क्वायर अपॉन 240 ई आई, यहाँ से आ जाएगा 44 टाइम फोर टाइम आएगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी है, इसका सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिएगा। ये सॉल्यूशन है इसका क्वेश्चन नंबर 61 का, H1 दे रखा है, H2 दे रखा है, H3 दे रखा है, COP होता है H2 माइनस H1 अपॉन H3 माइनस H2 इक्वल टू
एग्जिस्ट अपॉन डब्ल्यू नेट, देन सी ओ पी आ जाएगा यहाँ वैल्यू रखने पे एच वन एच टू एच थ्री फोर एंड वर्क नेट आ जाएगा 1.25। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें ये गिवन है एन वन ये 500, एच वन 30 मीटर, क्यू वन 60 लीटर पर मिनट, ये एन टू 1000, इसमें एच टू निकालना है और क्यू टू निकालना है। क्यू प्रोपोर्शनल टू एन होता है तो क्यू टू अपन क्यू वन इक्वल टू एन टू अपन एन वन, यहाँ से हम लोग क्यू टू निकाल लेंगे। क्यू टू आ जाएगा ये एन टू 1000 अपन एन वन 500 इंटू 60 क्यू वन, यहाँ से क्यू टू आएगा 120। देन सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए एच प्रोपोर्शनल टू होता है एन स्क्वायर, तो एच टू अपन एच वन इक्वल टू ब्रैकेट में एन टू अपन एन वन का स्क्वायर, यहाँ से एच टू हम निकाल लेंगे, एच टू भी आ जाएगा 120। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ये 62 का सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी क्वेश्चन नंबर 63, फॉर IT01 ग्रेड टॉलरेंस इज, IT01 के लिए टॉलरेंस होता है 0.3 प्लस 0.008D, ऑप्शन सी सही है इसका। ये ऑप्शन बी IT0 के लिए यूज होता है और IT1 के लिए ऑप्शन डी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 64, द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ए मशीनिंग ऑपरेशन इज ए फंक्शन ऑफ, इसका ऑप्शन ए सही होगा, MRR मटेरियल रिमूवल रेट अपॉन टूल वियर रेट। क्वेश्चन नंबर 65, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए रोबोट इज, रोबोट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, ऑप्शन बी सही है। ये वाई एक्सिस, ये एक एक्स एक्सिस, ये जेड, तो रोबोट जो होगा एक लीनियर वाई एक्स जेड में लीनियर मोशन करेगा और प्लस वाई एक्स जेड में रोटेशनल मोशन भी करेगा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि कितने दिशा में वो घूम सकता है।
क्वेश्चन नंबर 66, सेविंग ऑफ मेटल्स इज डन इन ऑर्डर टू रिमूव बर एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी, होता है सेविंग में, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67, वेन होल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मशीन इन ए सर्वल फेसेस इज स्मॉल वर्क पीस द जिग यूज इन इज बॉक्स जी यूज करते हैं इसमें छोटे कारखंड के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, मेजर ड्रॉबैक ऑफ ईडीएम प्रोसेस इज डैट, ईडीएम प्रोसेस का मेजर ड्रॉबैक होता है वियर टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड एट इच स्पार्क, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, राउटिंग असिस्ट इंजीनियर्स इन डिसाइडिंग इन एडवांस द लेआउट ऑफ फैक्ट्री फैसिलिटीज, इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, ये कैड गेम का है, इन ए 2D कैड सॉफ्टवेयर क्लॉकवाइज सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 5 फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 विल हैव इट्स सेंटर, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई इस पे पॉइंट 10 है, ये 15, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, तो पॉइंट P1 50 10 है, तो 50 यहाँ पे हो जाएगा और 10, तो पॉइंट P1 यहाँ पे होगा P1, ऐसे पॉइंट P2 15 एंड 10 दे रखा है, तो यहाँ पे पॉइंट P2 होगा और रोटेशन लिखा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉकवाइज होगा, तो और रेडियस 5 दे रखा है, तो इसका यहाँ पे सेंटर लेके यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 5 और यहाँ से भी 5 और ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट 15 15। अगर यही दिया रहता एंटी क्लॉकवाइज तो इसका सेंटर इधर लेते हैं यहाँ पे और इसका आंसर आ जाता 10 10। इसका आंसर होगा 15 15, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, रिजिड बॉडी शो इन फिगर ए हैज ए मास ऑफ 10 kg, इट रोटेट्स विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ए बैलेंसिंग मास ऑफ 20 kg इज अटैच्ड एज शो इन फिगर बी, द परसेंटेज इंक्रीज इन मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन इज, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, फिगर ए के लिए आई ए इक्वल टू एम दे रखा है 10 kg इंटू आर है 200 mm, 200 का स्क्वायर, देन फिगर बी के लिए आई बी इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 200 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 100 का स्क्वायर। परसेंटेज हो जाएगा आई बी
माइनस आई ए अपन आई ए इंटू 100। तो आई बी आई ए रखने पे आंसर आ जाएगा 50%। इसका सोल्यूशन अभी दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आंसर ऑप्शन बी होगा 50%। ये देखिए सोल्यूशन है इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। कंडक्शन फोरियर लॉ यूज होता है कंडक्शन में, कन्वेक्शन में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यूज होता है, रेडिएशन के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यूज होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अवोगाड्रो लॉ। इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ सरफेसेस। नंबर वन, टोटल प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए स्टैटिक फ्लूइड ऑन ए सरफेस आइदर प्लान और कर्व। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। बिल्कुल सही है। पॉइंट टू, इन ए वर्टिकल प्लान सरफेस सबमर्ज इन ए लिक्विड द सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये भी सही है। पॉइंट थ्री देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 75। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉटेक्स टेनएक्स इज डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स टेन एक्स इक्वल टू, ये कॉट एक्स टेन एक्स कट जाएगा, वन हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स वन होता है, जीरो। इसका ऑप्शन डी सही होगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर 76। ए बैग कंटेंट्स 5 red, 4 blue and 3 green balls। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली ड्राइंग ए रेड बॉल गिवन ए रेड बॉल आर 5 blue ball, B 4 green ball, G 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन टोटल बॉल्स आर प्लस जी प्लस बी इक्वल टू आर है 5 और तीनों का सम हो जाएगा 12। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 5/12। क्वेश्चन नंबर 77। द वैल्यू ऑफ 20C18 इज, इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला पर रखने पे 2C18 इक्वल टू, सॉरी 20C18 इक्वल टू 20 factorial upon
18 फैक्टोरियल 20 माइनस 18 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। एटीन फैक्टोरियल इक्वल टू 18 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 18 ये कट जाएगा 2 से 10, इसका आंसर हो जाएगा 190। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, लिमिट टेन टू जीरो, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन 3 थीटा अपन साइन 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सॉल्यूशन ये है, यहाँ पे साइन थीटा अपन 3 थीटा और 4 थीटा अपन साइन 4 थीटा करते हैं, और यहाँ पे 3 थीटा अपन 4 थीटा से गुना कर देते हैं, साइन थीटा अपन थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। 78 का आंसर 3/4 ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 79, ये इजी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 79 का ये सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ये इक्वेशन दे रखा है, इसमें मेजर और माइनर एक्सिस निकालना है। तो इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर करने पे ए इक्वल टू 12 आ जाएगा और बी इक्वल टू 11 आ जाएगा। मेजर एक्सिस होगा 2a इक्वल टू 24 हो जाएगा और माइनर एक्सिस होगा 2b इक्वल टू 22। इसका ऑप्शन डी सही है। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।